जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सब्जियान इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक मिनी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। तुरंत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। इस बीच स्थानीय लोग, सेना और पुलिस प्रशासन ने राहत बचाव अभियान चलाया। पुंछ में हुए बस एक्सीडेंट घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। हादसे के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है, घटना की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना पुंछ जिले की मंडी तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र सब्जियान के बराड़ी नाले के पास हुई। बताया जा रहा है कि बस चालक का बस पर नियंत्रण नहीं हो रहा था, जिससे मिनी बस सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि हादसे को लेकर पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। सिन्हा ने कहा, पुंछ के साबजियान में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। उन्होंने आगे कहा कि घायल जल्द ही ठीक हो, इसकी मैं कामना करता हूं।